हाय फ्रेंड्स, आज जो पशुओं का डिसीज का समझने के लिए ये वीडियो बना है, लेकिन पशुओं को और गाय भैंस सब कुछ पशुओं को ये वर्षाकाल में ये डिसीज ज़रूर आना होगा, लेकिन वो ज़्यादा ज्वर और ठंडा का ज्वर आता है। ये ज्वर का आए तो बहुत जाए आए तो वो 106 और ज़्यादा ये ज्वर आए तो क्या करना होगा। लेकिन ये पशुओं को आए तो कई तरह होते हैं ना, ये पेट का बहुत बिगड़ हो जाता है और ये खाना नहीं खाता है और थोड़ा कफ वो मुँह से थोड़ा थोड़ा बाहर आता है और ज्वर बहुत टेम्परेचर होता है 106 और होता है। यही तरह आए तो क्या करते हैं ना आयुर्वेद में, ये पशुओं का प्राचीन ग्रंथ पशुओं का प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में ये डिसीज ये रोग आए तो फर्स्ट पहला ये यही तरह चिकित्सा होना चाहिए। ये तरीके है ना, ये दुष्ट पतेगा ये ना, ये औषध गूगल में डाले तो देखो फ्रेंड्स, दुष्ट पतेगा और शुंठी पेपरलू मिरियल काली मिर्च ये सब कुछ लाकर पीस कर वो पानी में डालकर ये रोगों को पशुओं को पिलाओ। और फ्रेंड्स, और दूसरों का तरीका इंगुआ एलुली और हल्दी पशु और दुष्ट पतेगा और थोड़ा गुड़ सब कुछ पीस कर पानी में मिलाकर ये डिश आने का ये रोगों को पशुओं को पिलाते तो सब कुछ रोग खत्म होता है फ्रेंड्स। ये इलाज प्राचीन पूर्व पशुओं का आयुर्वेदिक ग्रंथ में होता है फ्रेंड्स। ये इलाज ये वीडियो में सब कुछ लोगों को जाने के लिए ये वीडियो बन रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा हिंदी बातों में थोड़ा थोड़ा वचन में गलत होने तो क्षमा करो फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।